गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको शैवालों के वर्गीकरण के बारे में आपसे चर्चा की और आपको बताया कि शैवालों को तीन वर्गों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होते हैं, क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उन्हें हरे शैवाल भी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ठीक है। इनमें भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है तथा तेल बूंदों के स्टार्च व तेल बूंदों के रूप में होता है। उसके पश्चात हमने आपको फियोफाइसी वर्ग के बारे में आपसे चर्चा की और आपको बताया फियोफाइसी वर्ग को शैवालों को भूरे शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरे शैवाल कहते हैं। ये शैवाल समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। सरल प्रकार के होते हैं, शाखित प्रकार के होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड वर्णक एवं जैंथोफिल वर्णक क्या है, इनमें पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं? भूरे शैवालों में। तो भूरे शैवालों में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। देखिए क्लोरोफिल जो होते हैं, सॉरी, जो फियोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनका रंग जैतूनी हरा होता है या ये भूरे रंग के शेड के रूप में पाए जाते हैं। इनमें भूरे रंग का शेड किसके कारण होता है? या तो जैंथोफिल वर्णक के कारण होता है, ठीक है, या इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया इनमें भोजन का संचय जो होता है वो लैमिनेरिन के रूप में और मैनिटोल के रूप में होता है, ठीक है। ये आधे स्तर से क्या है, जुड़े हुए होते हैं। इनमें जनन की क्रिया तीनों प्रकार की पाई जाती है। काई जनन जो होता है वो विखंडन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो एक नाशपति के आकार की संरचना होती है, ठीक है, जिन्हें हम जू स्पोर कहते हैं। ये द्विकसामिक संरचना होती है। लैंगिक जनन जो होता है वो समयुग्मकी और असमयुग्मकी के द्वारा, समयुग्मकी युग्मकों के द्वारा और असमयुग्मकी युग्मकों के संलयन के द्वारा होता है। देखिए उसके बाद हमने आपको रोडोफाइसी वर्ग के बारे में बताया। रोडोफाइसी को लाल शैवाल भी कहा जाता है। इन शैवालों का लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोएथिन वर्णक के कारण होता है। ये शैवाल मोस्टली कहां पर पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। इनका जो थैलस होता है वो कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। इनमें भोजन का संचय किसके रूप में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होती है वो ग्लाइकोजन और एमाइलोप्रोटीन के समान होती है। देखिए इनमें जनन की जो क्रिया होती है वो काइक रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर जनन जो होता है काइक जनन भी पाया जाता है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, अलैंगिक जनन जो होता है वो अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है और लैंगिक जनन जो होता है वो अचल युग्मकों के द्वारा होता है। बस अंतर जरा सा देखिए, अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं के द्वारा और लैंगिक जनन जो होता है वो अचल युग्मकों के द्वारा होता है। देखिए हम इस चैप्टर के अंदर आपको मैंने बताया, पाठ का नाम है वनस्पति जगत, और वनस्पति जगत को हमने आपको बताया कि वनस्पति जगत को पांच भागों में बांटा गया है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हम आपको आपसे चर्चा करने वाले हैं शैवालों के बाद, अब हम आपसे चर्चा करेंगे किनके बारे में? ब्रायोफाइटा के बारे में। आइए बात करते हैं ब्रायोफाइटा। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा दो शब्दों से मिलकर के बना है। ब्रायोफाइटा दो शब्दों से मिलकर के बना है, ब्रायोन प्लस फाइटोन। ब्रायोन प्लस फाइटोन, या हम इसको फाइट भी लिख सकते हैं, PHYT। ब्रायोन का अर्थ होता है मॉस और फाइट का अर्थ होता है प्लांट, ठीक है। मॉस का अर्थ होता है मॉस, प्लांट का अर्थ होता है पादप, अर्थात ब्रायोफाइटा पादपों को मॉस पादप भी कहा जाता है।
ब्रायोफाइटा पादपों को कौन से पादप कहा जाता है? मॉस पादप कहा जाता है। क्लियर बात है? देखिए ब्रायोफाइटा पादप, ब्रायोफाइटा वर्ग के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के पादप आते हैं, एक मॉस आते हैं और दूसरे आते हैं लीवर वर्ड। इसलिए ब्रायोफाइटा के अंतर्गत एक तो हम मॉसों का अध्ययन करेंगे और दूसरा किसका अध्ययन करेंगे? लीवर वर्ड का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो ब्रायोफाइटा में ये दो प्रकार के पादपों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है, या ब्रायोफाइटा के अंदर मॉस और लीवर वर्ड पादप आते हैं। ठीक है, देखिए ब्रायोफाइटा पादपों को, ठीक है, पादप जगत के उभयचर भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा पादपों को पादप जगत के क्या कहते हैं? इन्हें उभयचर भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा पादपों को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। ब्रायोफाइट प्लांट इज नोन एज ए एम्फीबियन प्लांट किंगडम। ठीक है, ब्रायोफाइटा प्लांट इज नोन एज ए एम्फीबियन प्लांट किंगडम। इज इट राइट? देखिए दूसरी बात हमने आपको बताया कि ब्रायोफाइटा जो पादप होते हैं वो असंवहनी पादप होते हैं। कौन से पादप होते हैं? असंवहनी पादप होते हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं, असंवहनी पादप होते हैं। नॉन वैस्कुलर क्या होते हैं? ये पादप होते हैं। ठीक है, नॉन असंवहनी पादपों पे हम बात करेंगे, नॉन वैस्कुलर प्लांट इन्हें क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, ब्रायोफाइटा पादपों को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, या ब्रायोफाइटा पादपों को असंवहनी पादप भी कहा जाता है, नॉन वैस्कुलर प्लांट भी इन्हें कहा जाता है। देखिए ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं उनके आवास के बारे में बात करते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों के आवास के बारे में हम बात करते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं वो पहाड़ियों में नम व छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ियों में पाए जाते हैं, और पहाड़ियों में भी कौन सी जगह पाए जाते हैं? नम और छायादार स्थानों पर क्या है? पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जो होते हैं वो नम और छायादार स्थानों पर क्या है? पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आप बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा पादप होते कैसे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा रहा हूं इस तरीके का। ठीक है, देखिए ब्रायोफाइटा पादप जो होते हैं उनमें जड़ों का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, और इनके अंदर देखो मैं दोनों जननांग एक ही जगह दिखा रहा हूं, ये इस तरीके की संरचना आप देख रहे हो, इसको कहते हैं मादा जननांग। ठीक है, या इसे क्या कहा जाता है? स्त्रीधानी कहा जाता है, या इसे आर्किगोनियम कहा जाता है। ये क्या कहलाएगा? आर्किगोनियम या स्त्रीधानी। और यहीं पर ही मैं नरजननांग भी आपको थोड़ी देर के लिए दिखा रहा हूं। ठीक है, नरजननांग की संरचना आप देखिए इस तरीके की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुंगुण के नाम से जाना जाता है, पुंगुण। ठीक है, या एंथ्रीडिया के नाम से इन्हें क्या है? जाना जाता है, या इन्हें पुंधानी के नाम से भी, आप इसको पुंगुण के जगह पुंधानी लिख दीजिए, पुंधानी। ये क्या है? नरयुग्मक कहलाएगा। ठीक है, नरजननांग कहलाएगा, और ये कौन सा कहलाएगा? मादा जननांग कहलाएगा। तो हम आप देख रहे हो ये क्या है? मार्केंसिया का पादप है। देखिए ब्रायोफाइटा में मार्केंसिया है, रिक्सिया है, एंथोसिरोस है। ठीक है, ये सारे पादप आते हैं, मॉस पादप आते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो पादप होते हैं क्या उनमें जड़े पाई है? दिखाई दे रही क्या आपको कहीं पे? नहीं दिखाई दे रही। तो हम कह सकते हैं इन पादपों में जड़ों का क्या होता है? अभाव होता है, रूट इज एब्सेंट। जड़ों का क्या होता है इन पादपों में? क्या होता है? अभाव होता है। इस वर्ग के जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, ब्रायोफाइटा वर्ग के जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं उनमें तना और पत्ती के समान, तना और पत्ती के समान संरचनाएं क्या है? दिखाई देती है।
तने के समान और पत्तियों के समान संरचनाएं यहाँ पर क्या है दिखाई दे, उच्च श्रेणी के पादप, यानी कि जो ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं कौन से हायर कैटेगरी के, ब्रायोफाइटा वर्ग के उच्च श्रेणी पादपों में ठीक है तना स्टेम और लीफ के समान क्या पाई जाती है संरचनाएं पाई जाती है या संरचनाएं दिखाई देती है ठीक है। इनमें वास्तविक संवहन ऊतकों का क्या होता है अभाव होता है ठीक है, इनमें वास्तविक संवहन ऊतकों का क्या होता है अभाव होता है, ट्रू वैस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। इनमें वास्तविक संवहन ऊतकों का क्या होता है अभाव होता है, वास्तविक संवहन ऊतकों का इनमें क्या होता है अभाव होता है। ये तो हमने किया है ब्रायोफाइटा के उच्च श्रेणी के पादपों में, और जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं लोअर कैटेगरी जो प्लांट होते हैं निम्न श्रेणी के जो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं ठीक है, उन पादपों में क्या है सुकाय के समान संरचना पाई जाती है, यानी कि थैलोइड के समान या थैलस के समान क्या पाई जाती है संरचना पाई जाती है। तो निम्न श्रेणी के जो ब्रायोफाइटा पादप होते हैं उनमें क्या पाई जाती है एक थैलोइड या सुकाय के समान संरचना पाई जाती है, किसके समान संरचना पाई जाती है सुकाय के समान संरचना या थैलोइड के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसकी निचली जो सतह होती है, जिसकी क्या होती है ये निचली सतह दिखाई दे रही है, ये निचली सतह है जिसको वेंट्रिकल सरफेस के नाम से जानते हैं, वेंट्रिकल सरफेस ये निचली सतह है, ये ऊपरी सतह है जिसको डॉर्सल सरफेस के नाम से जानते हैं, कौन सी सरफेस कहेंगे इसे डॉर्सल सरफेस जिसको बोलते हैं ऊपरी सतह या पृष्ठ सतह, ये पृष्ठ सतह कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी अधर सतह कहलाएगी। तो हमने बताया कि निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं उनके अंदर जो थैलोइड होते हैं ठीक है, वो थैलोइड या उनके अंदर जो तना होता है वो एक कोशिकीय होता है, उनके अंदर निचली सतह यानी कि थैलोइड निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं उनके अंदर जो थैलोइड की निचली सतह होती है या उनका जो तना होता है वो एक कोशिकीय तंतुनुमा संरचना क्या है वहां से निकलती है, एक कोशिकीय तंतुनुमा संरचना निकलती है, और ये एक कोशिकीय तंतुनुमा जो संरचना है आपको यहाँ दिखाई दे रही है इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है मूलाभास कहा जाता है, क्या कहा जाता है मूलाभास। एक बार फिर सुनिए, निम्न श्रेणी के ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों में सुकाय पाया जाता है ठीक है, या सुकाय के समान या थैलोइड के समान संरचना पाई जाती है, सुकाय की जो निचली सतह होती है उस पर एक कोशिकीय है ठीक है तंतुनुमा संरचनाएं निकलती है, और ये तंतुनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है मूलाभास कहा जाता है, और ये तंतुनुमा जो संरचनाएं होते हैं वो पौधे को भूमि से क्या है भूमि में स्थिर रखने में सहायक होते हैं या पौधे को अधः स्तर से जोड़े रखने में क्या होती है सहायक होती है, पौधे को भूमि से जोड़े रखने या पौधे को भूमि में स्थिर रखने में क्या होती है सहायक होती है या अधः स्तर से जोड़े रखने में क्या होती है सहायक होती है। अब देखिए हम बात करते हैं यहां पर जनन किस प्रकार से होता है। देखिए निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, निम्न श्रेणी के जो ब्रायोफाइटा पादप होते हैं उनमें जो बीजाणुभिद अवस्था होती है, जिसमें बीजाणुओं का क्या होता है निर्माण होता है, बीजाणुभिद अवस्था द्विगुणित होती है। तो ये बीजाणुभिद अवस्था इनके अंदर कैसी होती है, बहुत ही सरल प्रकार की होती है, सिंपल प्रकार की होती है। बीजाणुभिद अवस्था कैसी होती है सरल प्रकार की होती है, और इनका आकार भी कैसा होता है छोटा होता है ठीक है, यानी कि बीजाणुभिद अवस्था का आकार कैसा होता है छोटा, जबकि उच्च श्रेणी के पादपों में बीजाणुभिद अवस्था का आकार कैसा होता है बड़ा होता है ठीक है। स्पोरोफाइट अवस्था कैसी होती है लंबी होती है या बड़ी होती है ठीक है, कैसी होती है लंबी होती है या कैसी होती है बड़ी होती है। देखिए ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं उनमें कुछ पादप तो कैसे होते हैं द्विलिंगी होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं,
बाइसेक्सुअल का मतलब है ऐसे पादप जिनमें दोनों ही जनन अंग एक ही पादप में पाए जाते हैं। मार्केशिया में तो नर अलग होता है मादा अलग होता है, यहाँ पे हमने दोनों जननांग ही दिखाते हैं आपको यहाँ, ठीक है, जबकि नर और मादा जननांग दोनों सेपरेट होते हैं। तो ऐसे पादप ब्रायोफाइटा वर्ग के ऐसे पादप जो कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, परंतु कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो एकलिंगी होते हैं, जिसमें नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग ब्रायोफाइटा पादपों में पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं कि ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं उनमें नर जननांग जो होता है, ठीक है, नर जननांग जो होता है, दो प्रकार के जननांग होते हैं उनमें, नर जननांग और दूसरा कौन सा जननांग होता है, मादा जननांग पाया जाता है। नर जननांग जो होता है उनमें क्या पाई जाती है, कुंधानी पाई जाती है। नर जननांग में कुंधानी पाई जाती है और मादा जननांग में क्या पाई जाती है, स्त्रीधानी पाई जाती है। नर जननांग के रूप में कुंधानी पाई जाती है, मादा जननांग के रूप में क्या पाई जाती है, स्त्रीधानी पाई जाती है, ठीक है। पुंधानी जो होते हैं उनसे पुंगुण का निर्माण होता है। पुंधानी से किसका निर्माण होता है, पुंगुण का निर्माण होता है। पुंगुण जो होते हैं उन्हें नर युग्मक कहते हैं। पुंगुण को क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। इसी तरीके से स्त्रीधानी जो होते हैं उससे किसका निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडे कोशिका का निर्माण होता है, एग सेल का निर्माण होता है, या एग सेल में बोले तो इसे मादा युग्मक भी कहा जाता है। कौन सा युग्मक कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है। क्लियर बात। देखिए इनमें जो निषेचन की क्रिया होती है, इनमें जो निषेचन की क्रिया होती है यानी कि नर जननांग और मादा जननांग, वो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, जल के अंदर होती है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, जल में होती है, अर्थात जल की यहां पर बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक है। यहां पे क्या है, ये नर जननांग है और ये कौन सा है, मादा जननांग है। नर जननांग और मादा जननांग, नर जननांग एगुणित होता है, मादा जननांग भी कैसा होता है, एगुणित होता है। और ये नर जननांग और मादा जननांग जो होते हैं यानी कि नर युग्मक और जो मादा युग्मक होते हैं, ये दोनों आपस में संलयित होते हैं और दोनों आपस में संलयित होने के पश्चात किसका निर्माण हो जाता है, द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है। इस द्विगुणित संरचना को क्या कहा जाता है, युग्मरस कहा जाता है। इस द्विगुणित संरचना को क्या कहा जाता है, युग्मरस कहा जाता है। क्लियर बात है। ये युग्मरस जो होता है वो सामान्यतः बीजाणुभित जो अवस्था होती है, ठीक है, ये युग्मरस का क्या होता है, यहां पर निर्माण होता है, ठीक है, और इस प्रकार से यहां पर क्या है, जनन की क्रिया होती है। सामान्यतः जो बीजाणुभित अवस्था होती है उसके तीन प्रकार होते हैं या तीन भाग होते हैं। सामान्यतः बीजाणुभित अवस्था है, ये बीजाणुभित अवस्था आ गई है, और इस बीजाणुभित अवस्था के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। नंबर एक होता है फुट, नंबर दो होता है सीटा जिसको निवृंत बोलते हैं हिंदी में, और तीसरा होता है कैप्सूल। देखिए फुट बीजाणुभित अवस्था की, फुट अवस्था में कौन सा कार्य होता है, बीजाणुभित अवस्था की जो फुट अवस्था होती है, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, गैमेटोफाइट जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी कि फुट के द्वारा क्या है, युग्मकोद्भिद क्या है, जुड़ जाते हैं आपस में। और सीटा जो वाला भाग होता है, इस सीटा वाले भाग में, ठीक है, माउस जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं और हिपेटेसी जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। और कैप्सूल जो अवस्था होती है उस कैप्सूल अवस्था के अंदर, ठीक है, बीजाणु बनते हैं और बीजाणु क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं बीजाणु परिपक्व होकर के, या कैप्सूल जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो फट जाता है, और फट करके बीजाणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल के वो बीजाणु अधः स्तर पर क्या है, अधः स्तर पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो अनुकूल परिस्थितियां आने के पश्चात, ठीक है, वो बीजाणु मौका क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है, और अंकुरण होने के बाद
नर युग्मक, नए युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है, या नए थैलोइड का निर्माण हो जाता है, या नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस तरीके से ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों में क्या होता है, जन्म होता है। क्लियर बात हो गई? तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको बताया ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों के सामान्य लक्षण। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप जो होते हैं उनका वो दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, ब्रायो प्लस फाइट, ब्रायो का अर्थ होता है मॉस, फाइट का अर्थ होता है प्लांट, अर्थात ब्रायोफाइटा पादपों को मॉस पादप भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस और लिवरवर्ट आते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा पादपों को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, या पादप जगत के असामयिनी पादप भी इन्हें कहा जाता है। इन पादपों में जड़ों का अभाव होता है। उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के जो ब्रायोफाइटा पादप होते हैं उनमें तना और पत्तियां पाई जाती है, और इनके अंदर बीजाणुविद अवस्था बड़ी होती है, लंबी होती है। इन पादपों में वास्तविक संवहन ऊतकों का अभाव होता है। लोअर कैटेगरीज के जो पादप होते हैं उनमें क्या है, थैलोइड या सुकाय पाया जाता है। लोअर कैटेगरी के जो पादप होते हैं उनमें स्पोरोफाइट जो पाया जाता है वो बिल्कुल सरल प्रकार का होता है, और उसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। मैंने आपको ब्रायोफाइटा पादपों के जनन के बारे में बताया। ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप, कुछ पादप द्विलिंगी होते हैं तो कुछ पादप एकलिंगी होते हैं, ठीक है। देखिए, इन पादपों में एक कोष की संरचना के रूप में मूलाभास पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें नरजननांग के रूप में पुंधानी पाई जाती है, मादा जननांग के रूप में स्त्रीधानी पाई जाती है। पुंधानी से पुंगुंग या नरयुग्मकों का निर्माण होता है, स्त्रीधानी से अंडकोशिका या मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नरयुग्मक और मादा युग्मकों का संलयन जल के अंदर होता है, अर्थात निषेचन की क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है, और ये एकगुणित नर और मादा युग्मक दोनों जब संलयित हो जाते हैं तो द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, और जिससे क्या है, द्विगुणित का यानी कि युग्मनज का निर्माण हो जाता है। आपको बताया बीजाणुविद अवस्था को सामान्यतः तीन भागों में बांटा गया, फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट अवस्था के अंदर मैंने बताया कि यहाँ पर गैमेटोफाइट क्या है, आकर के जुड़ते हैं, ठीक है। बीजाणुविद अवस्था से गैमेटोफाइट आकर के जुड़ते हैं। सीटा अवस्था में मॉस के अंदर क्या है, सीटा अवस्था बड़ी होती है, रिपेटेसी के अंदर कैसी होती है, छोटी होती है। कैप्सूल में क्या है, बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। जब कैप्सूल पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है तो फट जाता है। फटने पर वो क्या है, बीजाणु बाहर निकलते हैं, आधे स्तर से चिपक जाते हैं, अंकुर परिस्थिति आती है, उन बीजाणु में अंकुरण होता है, अंकुरण से नए पौधे का, नए थैलोइड का, नए गैमेटोफाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार से ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों में क्या होता है, जनन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइटा पादपों के वर्गीकरण पर आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप हैं मार्केंसिया, रिक्सिया, एंथोसरोस, ये सारे पादप किसके अंदर आते हैं, मॉस पादप, ये सारे ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनके वर्गीकरण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।